मतलब वो जो चीज नहीं करना चाहिए अंदर जाएगा तो बच्चे आएंगे, तब बच्चे होंगे उसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, वो जनसंख्या को जोड़ रहा है, बाहर जाएंगे बच्चे नहीं आएंगे, बाहर जाएंगे ना मजा मरवा रहा। बताइए इसको शर्म नहीं आती, बुढ़े को चश्मा फोड़ लो तुमको शर्म नहीं आती है, खुलेआम तुम अपने बहन बेटी को खुद नंगा किए। इतनी घटनाएं हो रही है कि वहां का मुख्यमंत्री एकदम मुझे लगता है कि वो भड़ुआ है, साड़ी पहन के चूड़ी पहन के वहां पे रंगरलिया मनाता है। इसी की बात आप कह रहे हैं तो नीतीश जी एकदम भड़ुआ है, वो निकम्मे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो महिलाओं को सरेआम उन्होंने चीरहरण किया है सबका, वो वहाँ की महिलाएं कैसे जिंदा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे जो मेन मुखिया है बिहार का, जब वो इस तरीके से महिलाओं के बारे में जो कहना नहीं चाहिए, जो बेडरूम की बात होती है, उन्होंने पूरे विधानसभा में उन्होंने इस चीज को पूरा ऐलान कर दिया। शादी के दिन लड़कवा, मतलब भाषा भी उनका नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कवा शादी के दिन जो करता है, मतलब अब बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हम अंबेडकर नगर में हैं और आपको बता दें अभी हमारे साथ श्रीतिमा जी हैं और आपको बता दें साहब कि बिहार में नीतीश का एक बयान लेकर जो शीतकालीन सत्र में विधान भवन में उनका ऐसा बयान आ जाता है साहब कि पूरे बिहार में महिलाओं में आक्रोश हो जाता है। तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट वो महिलाएं उनके खिलाफ बयानबाजी करती हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह नीतीश के पुतला फूंके जाते हैं। ऐसे में अगर हमारे साथ बात करें तो श्रीतिमा जी हैं, इनका क्या विचार है हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो नीतीश का बयान है वो महिलाओं में किस प्रकार से चर्चा में है। हम अंबेडकर नगर में हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्रीतिमा जी आपको पीजी न्यूज चैनल। जय हिंद जय भारत, मैं श्रीतिमा अंबेडकर नगर से। इसमें ये बोलना चाहूँगी कि जो बिहार में इस समय जो बिहार में इस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जो बीच सदन में जो उन्होंने बोला है महिलाओं के प्रति, वो बहुत ही घटिया शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है महिलाओं के प्रति खासकर, और उनकी कितनी बुराई किया जाए, उनकी कितना निंदा किया जाए, ये बहुत कम है महिलाओं के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे वो जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसे शब्दों का जो आप प्रयोग किए हैं तो वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बताते हुए समझाना चाह रहे थे लेकिन वो समझा नहीं पाते थे, क्या कुछ कहे थे? वो समझाने का उनका कोई वो नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि वो समझा पाएँ, क्योंकि उनका तो केवल सेक्सुअल तरीके से उनको बात करना था। वो पता नहीं नशे में थे कि मतलब वो अपने गर्मी के जोश में उस समय बोल रहे थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो महिलाएं उनके पीछे बैठी थी, उनकी विधायक जो सांसद उनके बैठी थी, खासकर महिलाएँ, वो लोग उनको उस समय टोकी क्यों नहीं जब वो पहला वर्ड का इस्तेमाल वो करते हैं कि शादी के दिन लड़कवा, मतलब भाषा भी उनका नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कवा शादी के दिन जो करता है, मतलब अब बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ खासकर अपने महिलाओं के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश में मैं बैठ करके मैं बोल रही हूँ कि खासकर ये जो वर्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया लड़कवा वाला जो शब्दवा यूज करते हैं, ये क्या बोलते हैं बिहार में ऐसे बोला जाता है लड़कवा लड़कियाँ? हाँ इस तरीके से बोला जाता है लेकिन मेरे हिसाब से उनके अंदर नॉलेज नहीं हो, वो ये एकदम अनपढ़ है, गंवार है, मुझे बस यही प्रतीत होता है कि वो एकदम बिल्कुल मतलब नशेली पदार्थ के ले करके वो इस तरीके से विधानसभा में बोलना ये उचित नहीं था इस तरीके से। एक मुख्यमंत्री होकर इस प्रकार की अभद्र भाषाओं को, अभद्र टिप्पणियों को बोलना ये कहाँ तक उचित समझती है? अगर हम कंपेरिजन की बात करें, आप यूपी में बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीतीश में आप जरा अंतर कुछ बताएं और दोनों लोगों में कंपैरिजन करें कौन अच्छा है? बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग इतने खुशनसीब हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि जो हम उत्तर प्रदेश के धरती पे हमने जन्म लिया है, इतना खुश नसीब हम लोग कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, उनके जैसा कोई मेरे यूपी में, और मैं उत्तर प्रदेश की पूरे अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, क्या नाम है, हिंदुस्तान की बात मैं कह रही हूँ, मेरे योगी के जैसा कोई हिंदुस्तान में आदमी पैदा ही नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। योगी के तो भी विपक्ष में बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कह रही हैं कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, बिहार में
जितने लोग पैदा होते हैं वो अभाग्यशाली होते हैं। उनकी दुर्भाग्य है कि वो बिहार में, उनका दुर्भाग्य है कि वो जो है बिहार में जन्म लिए हैं, क्योंकि बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री एकदम मुझे लगता है कि वो भड़ुआ है, साड़ी पहन के चूड़ी पहन के वहाँ पे रंगरलिया मनाता है। मेरे हिसाब से तो यही लगता, लेकिन मेरे यूपी में अगर कोई सेक्स अगर किसी महिला के तरफ आंख उठा करके देख ले अगर, तो मेरे ख्याल से कि उसको 24 घंटे नहीं बीतेंगे, वो उसको सलाखों के पीछे जाना है या तो उसको उसका इनकाउंटर होना है। मेरे योगी के जैसा कोई नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश जी की बात आप कह रहे हैं, तो नीतीश जी एकदम भड़ुआ है, वो निकम्मे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो महिलाओं को सरेआम उन्होंने चीरहरण किया है सबका, वो वहाँ की महिलाएं कैसे जिंदा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे जो मेन मुखिया है बिहार का, जब वो इस तरीके से महिलाओं के बारे में जो कहना नहीं चाहिए, जो बेडरूम की बात होती है, उन्होंने पूरे विधानसभा में उन्होंने इस चीज को पूरा ऐलान कर दिया है और वो घर घर पूरे देश में, पूरे देश विदेश में इनकी चर्चा चल रही है और माफी मांग रहे हैं। अरे वो माफी नहीं मांग रहे, उसको नालेज तक नहीं है, अंधे को उसको नालेज तक नहीं है कि वो क्या बोल चुका है। और माफी मांगने से तुम बीच बाजार में बेइज्जत करो और इसके बाद चलो माफी मांगो, हर एक महिलाओं के पैर पे वो गिर करके माफी मांगे पूरे मीडिया के सामने, तब तो माना जाएगा कि हाँ नीतीश ने गलत नहीं किया है, नीतीश ने। अच्छा श्रीतिमा जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री सोचे कि एक बार हम पूरे विश्व में चर्चा में आ जाएं? हो सकता है कि इस प्रकार उनके दिमाग में कुछ विचार आया हो, कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर दें जो रातों रात वायरल हो जाएं? भैया अगर वो चर्चा में आना चाहते थे, चर्चा में तो वैसे भी वो आए हैं भाई, वो ऐसी जगह पे एडजस्ट हैं कि वो वैसे भी उनकी चर्चा चलती है। क्या महिलाओं का मतलब चीरहरण करने से महिलाओं को खुलेआम नंगा कर करके वो जो है पूरा हाईलाइट होना चाहते थे? मुझे इसका जवाब चाहिए कि इस तरीके से महिलाओं के बारे में जो उन्होंने बोला है, क्या ये अच्छा है आपके हिसाब से? ये चीज़ अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर वो कहीं मेरे इधर के होते, उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले होते, तो अब तक खासकर वो सलाखों के पीछे होते। और मेरी यही विनती है मेरे देशवासियों कि ऐसे मुख्यमंत्री को जा करके चप्पल से चप्पल उनको देना चाहिए कि आज के डेट में जो उन्होंने कहा है वो माफ़ी मांगने लायक ना रहें। और ख़ासकर हम लोग तो अपने उत्तर प्रदेश में इतने खुशनसीब हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गुंडे को हमारे योगी जी ऐसे गुंडे का उन्होंने शर्मनाश किया है और शर्मनाश कर भी रहे हैं। किसी के औकात नहीं है किसी की बहन बेटी के तरफ कोई उंगली उठा करके देख ले या आँख उठा करके देख ले। हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 बजे रात को मार्केट से आते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि कोई हमारे महिलाओं के ऊपर उंगली उठा दे। तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, दिल्ली जैसे घटनाएं होती हैं, और अभी यहाँ पे एक घटना हो गई थी जो बच्चियों के साथ कांड हो जाता है दिल्ली में, कई लोग चाकू मार दे रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? भैया देखिए मेरी बात सुनिए, जरूर 100% में जरूर 5% होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल योगी जी हमारे वो सबके घर घर जा करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 100% सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अगर सबको सुरक्षित करना हो तो कैसा कानून लाना चाहिए या किस प्रकार का कानून बनाना चाहिए? कानून ये लाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं योगी जी से और खासकर मैं अपने जो मेरे देशवासियों हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बहन बेटी को खुद को अंदर काबू रखिए, उनको ऐसा इतना एक्टिव बनाइए कि वो अपने आप से, जैसे हम लोग हैं, मैं अपने ऊपर ले जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरी उम्र 30 के आसपास में है, ठीक, मैं इतना सुरक्षित महसूस करती हूँ कि अगर मेरे पीछे कोई महिला अगर है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके सामने मुड़ करके मैं उसकी सुरक्षा करने की औकात रखती हूँ। और रही बात आप कह रहे हैं कि सुधारने की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगी कि मेरे जितना मेरे मुख्यमंत्री जी के नाले आता है अंडर में, जितना उनका मतलब आता है, जो भी सर्किल है, जो भी उनके अंडर में मेरा उत्तर प्रदेश आता है, अभी तक कोई महिला संगठन नहीं बनाई है, ठीक। जैसे बिहार में मीना मानवी है, उनका चल रहा है जो भी संस्था उन्होंने चलाया है, महिला मंच का उन्होंने किया है। वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के, जैसे मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, मैं अपने DM से अनुरोध करूँगी, मैं अपने SP से अनुरोध करूँगी कि हम लोग के जैसा एक महिला को, 2-4 महिलाओं को एक आप जो है ऐसा मतलब चुनिए कि मतलब हम लोग एक समाज की सेवा कर सके जो हमारी पुलिस नहीं कर सकती है। थोड़ी देर के लिए हम अपने तरफ से कोशिश करें कि जो उनके आड़ में, पुलिस वालों के आड़ में, जो पुलिस के आड़ में जो गलतियां कर रहे हैं लोग, नहीं पुलिस ढूंढ पा रही है,
हम लोग अपने तरफ से ढूंढ करके उन अपराधियों को आपके सामने लाएंगे और जो आपको सजा देनी होगी आप दीजिएगा। बस केवल मेरा यही कर्तव्य होगा कि मेरे महिलाओं के साथ घटना ना घटे। तो ये संगठन की जो बात आप कर रही हैं, संगठन की जो बात कर रही हैं, ये तो संगठन आप खुद बनाएंगे, खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस संगठन की आप अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब खुद बन सकते हैं। तो इसमें आपका शासन प्रशासन के पास आप ले जाकर पास करवा सकती हैं कि मेरा संगठन है इस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये मैं बता रही हूँ, देखिए मैं जो है करीबन 2010 से मैं राजनीति में थी, ठीक। इसके बाद मेरी शादी 2016 में होती है, इसके बाद मैं राजनीति छोड़ देती हूँ। और मेरे हस्बैंड पुलिस विभाग में हैं और मैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बच्चे के वजह से नहीं मतलब कुछ कर पाई, सीजर वगैरह हुआ था। लेकिन मैं इस बीच में देख रही हूँ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मेरे मन में इतना उमंग जग रहा है कि मतलब मेरे योगी को दोषी ठहराया जा रहा है, इधर जात पात को अलग किया जा रहा है। आपस में जो दो पक्ष लड़ाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, कर रहे हैं, उसके लिए तो शासन हमारा एक्टिव है। लेकिन ये जो जात को, ये एक यादव को अलग किया जा रहा है, ब्राह्मण को अलग किया जा रहा है, चमारों को अलग किया जा रहा है और लोगों को अलग किया जा रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा, हमारे देशवासी ही कर रहे हैं। लेकिन उस पर किसके ऊपर जा रहा दाग? मेरे मुख्यमंत्री जी के ऊपर जा रहा है। जाति जनगणना जो हो रही है बिहार में, इससे आप कितना संतुष्ट? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ मैं। इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ कि पहले अपने राज्य को, अपने आप अपने यूपी बिहार को सुधारिए पहले। जनगणना तो पहले वो तो दूसरी तरफ रख दीजिए, लेकिन जो घटनाएं घट रही आए दिन आप देखते होंगे कि इतना मतलब, ये सवाल किया जाए आपसे कि यूपी में और बिहार की अपेक्षा, बिहार और यूपी की अपेक्षा महिलाएं बिहार में कितना परसेंट सुरक्षित हैं और यूपी में कितना परसेंट सुरक्षित? मेरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 100% महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मेरी यूपी पुलिस इतना एक्टिव है, अभी एक कुत्ता भी जा करके अगर एक लेटर दे दिया जाएगा कि ले जाओ इस थाने में दे दो, तो कुत्ते की लेटर पाते हुए भी मतलब वहाँ की पुलिस फौरन उस जगह पे जहाँ घटना स्थल रहेगा वहाँ पे फौरन पहुँचेगी। और बिहार की आए दिन मैं देखती रहती हूँ, आप भी देखते होंगे, आए दिन वहाँ लड़के प्रेम प्रसंग में मारे जा रहे हैं और पुलिस उसमें बिल्कुल नाकाम है। फेसबुकिया प्यार बिहार में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरे यूपी में नहीं हो रही। यूपी में बहुत थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसमें कंट्रोल आ जा रहा है। अगर नीतीश और योगी बाबा को नंबर देना पड़ेगा 10 में, तो योगी जी को कितना नंबर देंगी और नीतीश को कितना नंबर? मैं 100 नंबर दूंगी अपने योगी को और उसको तो 0 दूंगी, वो 0 के लायक है। नीतीश 0 के लायक है, बुढ़ा हो गया है, उसके सामने हम जैसे लोग बेटी हैं, बेटियों को नंगा कर रहा है वो। क्या साबित करना चाह रहा है? ये जो गंदी गंदी बातें बोला है, बाहर डालो अंदर डालो बाहर निकालो, इसका मतलब क्या होता है? और मेरे यूपी में योगी बाबा का ऐलान ये था कि 3 बच्चे से ज़्यादा चौथा बच्चा नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा सिद्धांत ये था कि तुम जनसंख्या कम करो, तो तुम इसके अंडर में मतलब कुछ ब्रेकेट बना करके तुम ये किनारे से तुम कुछ और इशारा कर सकते थे, कुछ रूल पारित करते, हाँ कुछ करते ना। लेकिन तुमने तो ये सीधे सीधे इस चीज़ को वर्णन कर दिया कि मतलब अंदर बाहर की बात मैं कहने में कह रहे। महिलाएं कल इंटरव्यू एक ले रही थी, क्या नाम है, बिहार की एक प्रज्ञा है क्या है, वो ले रही है कॉलेज की लड़कियों से, वो लड़कियां अपना मुंह छुपाते हुए जा रही हैं। ऐसा उसने कर दिया कि वो लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस हो रही हैं। और मेरे यूपी में मतलब अंदर वाली बात बाहर कर दिए, अब भैया हो ही गया, बताइए ये शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं है? मतलब वो जो चीज नहीं करना चाहिए, अंदर जाएगा तो बच्चे आएंगे, तब बच्चे होंगे उसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, वो जनसंख्या को जोड़ रहा है। बाहर जाएंगे बच्चे नहीं आएंगे, बाहर जाएंगे ना मजा मरवा रहा, बताइए इसको शर्म नहीं आती? बुड्ढे को चश्मा फोड़ लो, तुमको शर्म नहीं आती है? खुलेआम तुम अपने बहन बेटी को खुद नंगा किए हो, सोचो एकदम बदतमीजी वाला इन्होंने जो है सवाल को इस्तेमाल किया है। उसके साथ वो बिहार नहीं गंदा हो रहा है, उसके साथ साथ में पूरा हमारा हिंदुस्तान गंदा हुआ, सारी महिलाएं जो शर्मिंदगी में जी रही हैं और सब लोग उनके विपक्ष में बयान दे रहे हैं, विपक्ष में बयान दे रहे हैं। एक दो लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि सोच नहीं पा रहे, वो किस एंगल से उन्होंने जवाब दिया है ये सोचने वाली भाई। जब आप लड़का लड़कवा अंदर बाहर कर रहे हैं तो अब इसमें और आदमी क्या सोचे? लड़कवा नहीं, लड़कवा तो जो बोले हैं बोलबे किए है वो अंदर बाहर, उसमें तो और भी सबसे स्टार्टिंग में ये कि एक सदिया होता है ना, रतिया में तो वो करते हैं ना, बताइए बेशरम कहीं के हंस रहे हैं आप भी, हराम खोरी वाला जो है एकदम सेम मुख्यमंत्री की तरह ही बोला, इसलिए मैं हंसी आ रहा हूं। अब उसके भाषा में हम भी बोल सकते हैं ना, मतलब नहीं उसके भाषा में बोलना पड़ेगा, सदिया के दिन जी
अब वो महिलाएं रोक रही हैं सामने से उसको, लोग रोक रहे हैं। अरे सुनिए जी सुनिए, का तुम माछी मार रहे हो? जब वहाँ हल्ला हो रहा, तुम्हारे बयान पे सब लोग भड़क रहे हैं, तो तुम ऐसे ऐसे कह रहे, रुकिए जी रुकिए, फिर वही रिपीट करते जा रहे हो। उसी समय इनके आंख में मिर्चा झोंक देना चाहिए था, आन्हर बन के बैठते ये। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ ये श्रीतिमा जी हैं। सुनिए मेरे अंबेडकर नगर की बात मैं खासकर कहना चाहूंगी। मेरे अंडर में जो मैं जितना काम मैंने कराया है, कटका थाना हुआ, जलालपुर थाना हुआ, सम्मनपुर थाना हुआ, बशखारी थाना हुआ, और जैतपुर थाना हुआ, और बेवाना थाना हुआ, मैं डीएम एसडीएम तहसीलदार एसएसपी सर को मैं बारंबार उनसे प्रार्थना करती हूँ, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि अभी तो मैं पूरा रोड पे नहीं निकली हूँ महिलाओं के लिए, लेकिन जितना मैंने उनके सामने अपना किसी का दुख अगर मैं ले गई हूँ, मुझे कुछ समझ करके लोग देते हैं कराने के लिए, सारी समस्याएं साल भर समस्याएं मैंने पूरा कर दिया है बिना एक रुपया लिए हुए। मेरे उत्तर प्रदेश में अगर लोग ये बयान कभी कभी मैं सुनती हूँ कि डांट के भगा दिया जाता है, तो ये गलत बात है। मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, अपने अधिकारियों के ऊपर ब्लेम करना बंद करो। इसलिए मेरा जो उत्तर प्रदेश है बहुत पवित्र जगह है, यहाँ श्री राम की नगरी है, और मेरी माँ दुर्गा का, बिंदवासिनी का यहाँ जौनपुर में, मिर्जापुर में उनका जो है स्थान है, बहुत अच्छा हमारी धरती है। ये जान लीजिए भैया, यहाँ कोई पापियों का बसेरा नहीं हो सकता है। आपको ये बता दें, कहीं न कहीं जो श्रीतिमा जी हैं, इनका भी क्रोध नीतीश जी के ऊपर कहीं न कहीं ये पूरा तरह से भड़की हुई हैं उनके बयानों को लेकर। अगर साहब इनके कामों की बात करें तो ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में जो भी महिलाएं पीड़ित होती हैं तो आके इनसे संपर्क करती हैं और उनका ये भरपूर सहयोग और सपोर्ट करती हैं। हालाँकि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारी बातचीत श्रीतिमा जी के साथ कैसी लगी, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साहब मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।